हम गल्ले तो शाम के ही गल्ले है। कब बजे? शाम के 3-3.30 बजे के आसपास। आज भी कब बजे? तो आज अभी 4:30 हो गल। अभी कब अनाउंस करे से? हाँ अनाउंस करे से तो हमने घूमा। देखिए यहाँ पे बट्टी मेकिंग हो रहा है, इसमें चना। ये रहा पपीता, ये रहा केले का पेड़, और ये रहा पिचड़ू का पेड़, और ये रहा नारियल पेड़। नारियल भी हुआ है दोस्तों, ये देखिए। एंड ये रहा मैं। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा काम कर रहा था तो सोचा कि सौरभ का ब्लॉग डाल दूं, लेकिन दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि सौरभ ने जो ब्लॉग किया है ना, मतलब बहुत ही अच्छे से किया है। एटलीस्ट उसने मेरे से तो अच्छा ब्लॉग किया है और आपको मज़ा भी बहुत आने वाला है। तो चलिए आप लोग इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ और फिर मैं आपको मिलता हूँ एक और ब्लॉग के साथ, ठीक है? चलो। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ, मैं आज आया हूँ बनारस। सो दोस्तों यहाँ पे बहुत ठंड है और सुबह से हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे बिकॉज यहाँ पे धूप ही नहीं थी और सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो अभी थोड़ा बाहर में धूप कम हुआ है तो मैं और भाई लोग मिलकर प्लान बनाया कि हम कहीं बाहर जाएंगे घूमने। तो चलिए आज कहाँ घूमते आज आपको दिखाते हैं, फिर और भी आगे आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ कहाँ घूमते हैं। दोस्तों अभी हम थोड़ा फोटोग्राफी करेंगे, उसके बाद जाएंगे बाहर, क्योंकि बाहर थोड़ा चाचा को पटाना पड़ेगा जाने के लिए, इसलिए पहले फोटोग्राफी करते। चल भाई। देखिए यहाँ से गांव कितना मस्त लगता है। मेरे घर के पास तालाब भी है, कितने सारे गाय है, 1, 2, 3, 4, 5। वहाँ पे ट्रेन भी जा रही है, छत पे कोई सोया हुआ है। दूर दूर तक पूरा वीट प्लस उधर सरसों का खेत, वीट लगाते हैं उसके बाद चिड़िया भगा रहे हैं। चाचा देखिए सो के क्या कर रहे हैं। हमारे घर का मंदिर है प्रभु सदानंद जी का, येलो रोज, रेड रोज, रेड एंड येलो मिक्स रोज, मैरीगोल्ड है। जल्दी जल्दी करो, चलना कि नहीं? चलना है भाई। निकले हम। हमारे छोटे भाई कहाँ जाएंगे घूमने? अभी तो हम लोग रिंग रोड जाएंगे, रिंग रोड चलेंगे। अब मेरे को ड्राइव करने नहीं आता लेकिन इसको ड्राइव करने आ गया। दोस्तों गांव कितना मस्त लग रहा है, लहसुन आलू सब कुछ लगाए हैं, सरसों वगैरह। और एक इसको देखिए पीछे बैठा है राजा जैसे सर मालिक, ड्राइवर, हेल्पर और ऑनर देखिए पूरा मैच कर रहा है। और इधर गवर्नमेंट स्कूल जो कि अभी थोड़ा काम चल रहा है, पहले बहुत खराब था, कोविड खत्म हो जाने से यहाँ पे स्कूल वगैरह ओपन हो गए। देखिए जय किसान इंटर कॉलेज सरौनी सजोई। रोड थोड़ा खराब है, उसके बाद गांव से बाहर निकलने पे रोड अच्छा है। तो अभी हम लोग मेन रोड पे आ चुके हैं, गांव से निकल के मेन रोड पे आ चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने दोस्त के घर, जो मेरा बचपन का फ्रेंड है, उसका नाम मिथिलेश यादव है। तो अभी मैंने उसको कॉल किया था, बहुत साल से हम लोग मिले नहीं है, तो मैं सडनली, वो मेरे को सुबह कॉल किया था स्टेटस देख के कि तुम आया है क्या, तो मैं उसको कॉल किया था कि हाँ हम लोग आ रहे हैं तेरे घर, तू रेडी हो जा। फाइनली वो मेरे साथ आ चुका है, जो मेरे बचपन का दोस्त है मिथिलेश यादव। तो भाई कैसा लग रहा है इतना दिन बाद मिलके? बहुत अच्छा। और आगे हम लोग जाएंगे रिंग रोड और मस्ती करेंगे। ये अपना मुंह तो हटा, तेरे को पहचानेंगे लोग कैसे? ये हमारे प्रांशु भैया हैं जो कि हमारे ऑनर ऑफ दिस गाड़ी। तो हंसते बहुत अच्छा है, थोड़ा अपना हंसी दिखाई, ये थोड़ा हंसिएगा। देख के मार जाई मेरे लालू। अभी का रोड यहाँ पे कैसा हुआ है? एकदम मस्त चौचक। बाइक चलाने में अच्छा लगता है कि नहीं रोहित? तुमको एकदम बढ़िया लगता है। और प्रांशु लल्लन टॉप, लल्लन टॉप, लल्लन टॉप। फाइनली हम लोग यहाँ पे थोड़ा फोटोग्राफी किए जो कि आप हमारे इंस्टाग्राम में देख सकते हैं। तो अभी चाचा का फोन आने से पहले हमको घर भी जाना है और बाकी जाऊंगा, बनारस भी जाऊंगा, आपको और भी जगह दिखाऊंगा। अगर आप बनारस में है, अगर बनारस में ऑटो की सवारी नहीं की है तो कोई फायदा नहीं है। ऑटो वाले भैया पूरा पगड़ी पहन के ऑटो चला रहे हैं। न्यू बर्गर, स्प्रिंग रोल, शहीद नगर, इन भंडार, फल मार्केट। देखो नंगा आया है यहाँ पे, यहाँ पे देखो रास्ता बना है, रास्ता। दोस्तों यहाँ पे पूजा हो रहा है, इसको रामायण बोलते हैं, जो कि साल में एक बार होता है और इसी के लिए हम लोग उड़ीसा से यहाँ पे आए और सब फैमिली बहुत साल बाद एक साथ हुए हैं। और आगे आगे देखिए और क्या होता है। तो अभी रात को बज रहे हैं 1, और तो अभी भी पूजा ऑन गोइंग है क्योंकि ये रामायण होता है जो रात भर चलता है। और मैं यहाँ आग जला के बैठा हूँ, बाकी सबको सुला दिया और मैं ही जाग रहा हूँ अभी तक, क्योंकि सब टायर्ड हो गए थे। मैं अभी थोड़ा देर में 2 बजे सोऊंगा। Time to shine, but we've got a whole
यहाँ पे बट्टी मेकिंग हो रहा है, इसमें चना का सत्तू भर रहे हैं। इंटरनेशनल बट्टी चोखा, जो ना खाए पाए धोखा। तो यहाँ पे बहन भाई लोग के साथ हम लोग आए मंदिर घूमने आए थे, तो मंदिर का एक्चुअली ताला लॉक है, तो वहाँ पे हम लोग मंदिर के अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे बाहर में लोग फोटो भी क्लिक कर रहे हैं। और इसी का कल बर्थडे था। और ए भैसा वो पचा ये मोटो ऐसा फोटो उठाएगा ना पूरा हिल जाएगा फोटोग्राफर भी। मंदिर के पुजारी जी हैं, उनका घर है ये, तो यहीं पे वो रहते हैं। धर्मेश्वर महादेव मंदिर, शिव जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, लेकिन अभी बंद है। धूप बहुत है और हमें घर भी जाना है, अपने घर भी जाना है। और इसको जो है ना, इसको क्या कहाँ गई है, इसको शाम को बहुत ठंड लगता है, तो इसको अभी धूप धूप में ही पहुँचा देना, धूप में पहुँचा देना घर, बहुत जल्दी बीमार हो जाती है। और ये पागल है, ये पागल, ये पागल है। देखिए ये मेरे को पागल बोल रहा है, तू किधर गए रे, किधर गए तेरा, किधर गए, किधर गए, देख देख रहा है, सबसे काला हमारे घर में यही है, सबसे काला, सबसे काला, सबसे काला। आठू आठू, ये बाप रे, फट से मर ली, फट से मर ली, फट से मर ली। अब हुआ रोटी गली ना, बट्टी बट्टी रोटी कुछ हो गया, चॉकलेट किटकैट। फाइनली बनारस में आया, मेरे को हो गया 5-6 दिन, तो हम लोग घाट नहीं गए थे। आज हम लोग दोस्तों के साथ प्लान बनाया घाट जाने का, तो अभी हम लोग घाट जा रहे हैं। यहाँ से दशा समेत 80 घाट और 50 घाट पे आपको दिखाएंगे, प्लस गंगा आरती भी देख के आएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और गंगा आरती तक बने रहिएगा। और यहाँ से घाट 3-4 किलोमीटर है, तो अभी बहुत ट्रैफिक है, इसलिए लेट हो जा रहा है, वरना हम लोग घाट कैसे पहुँच जाते हैं। येलो येलो ऑटो बैटरी वाला रिक्शा। हम लोग दशा समेत गली में घुस चुके हैं, यहाँ पे चर्च है। और देखिए दोस्तों भीड़, ये बनारस का हाई लेवल पार्किंग, यहाँ पर हम 4-व्हीलर कार वगैरह सब कुछ पार्क कर सकते हैं। अभी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, बहुत ट्रैफिक है दोस्तों यहाँ पे। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझ में, जिसकी धरती है पारस उस जिले का नाम है बनारस। अभी हम जा रहे हैं गाड़ी पार्क करने, उसको वहीं पे रख के बुलेट सामने लगा देते हैं। हम लोग ने गाड़ी को कर दिया पार्क, अभी हम लोग जा रहे हैं घाट पे, तो आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर जगह है, प्लस यहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, बनारस के लोग। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं। फाइनली बहुत घर का सारा काम खत्म करने के बाद, सब पूजा वगैरह खत्म करने के बाद हम घाट जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं। यो लालो कैसा लग रहा है? बहुत दिन के बाद हम लोग पहली बार शायद हम लोग घाट पे आए हैं, पहली बार है, सेकंड टाइम आया है, सेकंड टाइम आया है। ये पनारू संदीप दोनों पगड़ी मैन, बुल्ला एक नंबर का है। विश्वनाथ गली ना, अंदर जा सकल नहीं। दोस्तों ये विश्वनाथ गली है, जहाँ पे आप अभी काशी विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं, यही गली से आपको अंदर जा सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले घाट जाएंगे, देव गुरुपति बृहस्पति मंदिर। दोस्तों बनारस में पब्लिक तो बहुत है, सबसे अच्छे हैं इन लोग। मोहल्ला 80 मूवी नहीं देखा है क्या, जो 80 घाट में शूट हुई थी? दोस्तों बंदर कार से स्टार से स्टार से नजर लड़ा है। भैया टी शर्ट कितने की है? 250 रुपए। बहुत अच्छी टी शर्ट यहाँ पे मिलती है, महाकाल, जिसको भी जो चाहिए सब मिल सकता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अभी कुछ दिन पहले आए थे, जो यहीं पे घाट पे ही सब कुछ अरेंजमेंट के आधार पे उस पार के सभी माझी बंधु अपनी बोट को गंगा जी के इस पार कर ले। मोदी जी का फेवरेट घाट है दोस्तों, नाव दशा समेत घाट। भैया 600 रुपए बोल रहे हैं उस पर जाने का, जो कि बहुत ज्यादा है। एक्चुअली लेते नहीं है 600, लेकिन ये बोलते हैं 600। 40 रुपए लेते हैं उस पे। रिजर्व बताइए, रिजर्व बता दीजिए। चलिए 550 हमने बना दी, रिजर्व हमने से ले लिया, मरदे हाउस से हमने से लेटे 250 रुपया दे ले रहे, सही बताइए आपके 400 रुपया कर लेना, 250 रुपया हम खुश हो गए। हाँ हम गल्ले तो शाम के ही गल्ले,
कब बजे? शाम के 3-3:30 बजे के आसपास। आज भी कब बजे था? आज अभी 4:30 हो गलो। अभी कब अनाउंस करे से? हाँ अनाउंस करे से, तो हमने घूमा के घाटों पर ना जाब, हम ऊपर ना जाब। हाँ सवारी में ना जाब, रिजर्व में कितना लेवा चार्ज नहीं है। हाँ तो 2 घंटे लगाओ ना, सही बताओ भैया। वीडियो तो और नहीं, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ही ठंडा पानी है, मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों। अगर आपको बनारस आना है तो बहुत अच्छी जगह है, दशा समेत घाट है, यहाँ पे शाम को आरती भी होती है, सब कुछ होती है। आप आइए बनारस, आइए फैमिली के साथ, आइए फ्रेंड के साथ, आइए किसी के साथ आइए, बट मुझे बट थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि बनारस के लोग अदर स्टेट को देख के ज़्यादा पैसे बोलते हैं, लेकिन है नहीं उतना। अभी आइए, मेरे को कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको लेके आऊँगा बनारस, ठीक है। वहाँ पे हो गया दशा समेत घाट, यहाँ पे मान मंदिर घाट, ऐसे करके दोस्तों 80 घाट है यहाँ पे, 84 घाट है, 84 टोटल 84 घाट है यहाँ पे। यस ब्रदर। हम लोग मनकन का और एक घाट क्रॉस किया, मीर घाट। यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मेरे पीछे बहुत सारे बोट हैं, आप सारे घाट पे बोट देख सकते हैं। तो अभी हम लोग 3 घाट क्रॉस किए हैं, तो ये विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, यहाँ पे विश्वनाथ टेम्पल का कॉरिडोर बनेगा, आप इधर से आ सकते हैं। जो हमारा काशी करवट मंदिर है वो बहुत फेमस है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते हैं इसको, तो आज हम आपको दिखाते हैं। अभी हम मीर घाट क्रॉस किए, तो यहाँ पे ललिता घाट, इधर से तो बंद है।